السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. अभी माशाल्लाह मैंने कुछ नोट्स बनाए थे ना, उसको मैं फाइनल कर रहा था नोट्स जी को, तो वो नोट्स मैं आप लोगों को अभी समझा तो थोड़ी बहुत फाइनल हो गई है और मैं कोशिश कर रहा हूँ, और वो एक टीचिंग की भी नोट्स हो सकती है और आपको समझने के लिए भी इजी होगा. तो इनशाल्लाह हम आज नोट्स को देखते हैं और फिर आगे प्रैक्टिस भी करते हैं इनशाल्लाह. जैसे स्क्रीन नजर आ रही है ना, जी सर देखिए मैं सबको आपको पेज बाय पेज नोट्स दिखाता हूँ आपको, और फिर मैं आपको ये भेज भी दूंगा नोट्स इनशाल्लाह. ठीक है, तो सबसे पहले ये तो नोट्स का हमारा व्हाट इज फेल, फेल क्या होता है उसके बारे में लिखा हुआ है कि फेल किसको कहते हैं. सबसे पहले चीज, उसके नोट्स उर्दू में भी लिखी हुई, इंग्लिश में भी लिखी हुई है ना. तो यहाँ पे लिखा है वर्ब इज एन अरबिक ग्रामर रिप्रेजेंट एन एक्शन, इट बेसिकली इन्फॉर्म्स अस अबाउट टू प्रॉपर्टीज. या उर्दू में लिखेंगे अरबिक ग्रामर में फेल क्या है. अरबिक ग्रामर में फेल एक अमल जाहिर करता है. ये बुनियादी तौर पे हमें दो खसूसियात के बारे में बताता है. ये नोट्स हैं जिसको आप देखेंगे, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको शायद इंशाल्लाह ज्यादा इजी पड़ेगा. फिर नीचे वो आपके बारे में बताया कि वर्ब को अगर समझना है, फेल को अगर आप समझना है, तो उसके तीन जमाने समझना बहुत जरूरी है. जरूर कौन से? फेले माजी, फेले मुजारे और फेले अम्र को जानना बहुत जरूरी है. साथ में डूअर उसका जानना जरूरी है कि एक्शन कौन करता है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है. तो मतलब वर्ब, फाइल और उसका जमाना, ये तीन इम्पोर्टेंट चीजें हैं. जब भी आप एक्शन जुमला बनाओगे तो उसकी तीन इम्पोर्टेंट चीजें कौन सी है, फाइल, जमाना, ये तीन इम्पोर्टेंट चीजें. साथ साथ में मफूल की भी जरूरत पड़ती है, इंशाल्लाह आगे की तरफ देखेंगे. ये स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको, देखिए जी सर इसके बाद हम लोग चलते हैं. ये वो स्क्रीन है जिसपे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या एक्चुअली फेल होता है करके. तो फेल सबसे पहले मजदर से बनता है. मजदर पता होना चाहिए कि मजदर क्या है, मतलब वो फेल का नाम क्या है. मजदर मतलब वो फेल का नाम क्या है. जैसे नाम आपको फेल का नाम पता चल जाएगा, आप उससे फेल बनाओगे, उससे एक्शन बनाओगे, उसमें फाइल और मफूल को डालोगे. यहाँ पे जो फाइल है मफूल है, ये फाइल मफूल आप उसमें डाल दोगे मफूल, और फिर साथ में आपका जमाना आएगा. अब जो फेल है वो फेले लाजिम भी हो मोटे सकता है और फेले मुतअद्दी भी हो सकता है. फेले लाजिम और फेले मुतअद्दी किसको बोलते हैं? फेले लाजिम सर, में इसमें मफूल की जरूरत नहीं होती है, वो मफूल की लाजिम जरूरत है, नहीं होती है, मुतअद्दी में फेल की जी सर जरूरत होती है. फेले मुतअद्दी में फेल मफूल की जरूरत है. तो मफूल क्या है? जिस पे काम किया जाए. जिसपे ऑब्जेक्ट जी सर ओके, ऑब्जेक्ट जिस उस पे पे काम काम होता है किया जाए. ओके, उसके बाद हमने ने कि फेले लाजिम में दो ही चीज आएंगे, फेल और फाइल. मेन इंपॉर्टेंट है फेले मुतअद्दी में क्या है, फेल, फाइल और मफूल मफूल इंपॉर्टेंट है. अब आपका जी फाइल आ गया, आपका मफूल भी आ गया. मफूल आने के बाद, फाइल आने के बाद, वो किस जमाने में हुआ है, किस जमाने में किया गया है, पास्ट में, फ्यूचर में, या उसका हुक्म दिया गया तो माजी है, या करने का हुक्म दिया गया था, या जाएगा, या दिया जाता है, ये अम्र में दिया, अब भी दिया जाता है करके. और मुदारे फ्यूचर में आपको देखना है या प्रेजेंट में देखना है. तो ये तीन जमाने उसके साथ आएंगे, माजी, अम्र और मुदारे. इसके बाद एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जमाने में जब हम लोग फाइल बताते हैं तो फाइल को हम लोग हाइड भी कर सकते. फाइल कभी हमको पता नहीं भी होगा, पता भी होगा, पता नहीं भी हो सकता है. जब फाइल हमको पता नहीं होगा कि किसने मारा, किसने चुराया, किसने किया, किसने बोला, अगर हमको ये पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, कैसी बात मजबूल करेंगे? तो फिर हम लोग मफूल को लेके बात करेंगे कि जिस पे किया गया है, जिस पे हुआ है, उसको लेके सेंटेंस बनाएंगे. तो उसको कहते हैं माजी में भी हो सकता है कि फाइल पता हो, किसी भी जमाने में फाइल पता हो या ना पता हो, तो माजी में भी दो सेंटेंस बन सकते हैं, जो जुमले आते हैं, मालूम और मजहूल. मतलब जिसका फाइल हमको मालूम है तो फिर हम लोग वैसा सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन अगर फाइल हमको पता नहीं है तो हम उसको मफूल से बनाएंगे, उसको मजहूल कहेंगे. ठीक है, जी उसके बाद हम लोग इधर आते हैं, ये स्क्रीन में आपको समझा देता हूँ इंशाल्लाह. माजी मालूम का सेंटेंस कैसा होगा,
ये हम लोग बनाए और बनाने की कोशिश भी करेंगे। एक सेंटेंस है, दरबा जैदुन हामिदुन, ये माजी मालूम का हामिद सेंटेंस। दन होना चाहिए ना सर, वो हाँ करेक्ट, दरबा दरबा जैदुन हामिदन होना चाहिए। ओके दन जी सर। जस्ट सेकेंड, ना हामी दन होगा, ठीक है, जी सर। दरबा जैदुन हामी दन। जी फिर उसका मजहूल क्या है, दुरीबा हामिदुन रहेगा। सर। दरबा जैदुन हामिदन मतलब क्या हुआ, जैद ने हामिद को मारा, ठीक है। मारा। अभी हम लोग ने ये माशाल्लाह पूरा असाइनमेंट कर चुके हैं, तो इसलिए जैदुन के ऊपर क्या हुआ है, जैदुन मरफू है, जी मतलब सर। फाइल वो फाइल है, इसलिए वो मरफू है, है फाइल। और हामिदन मफूल है, इसलिए वो मंसूब में है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हामिद को मारा गया, नीचे जी सर। हामिद को मारा गया। जब हामिद को मारा गया तो मारने वाला कौन है हमको नहीं पता है, हम नहीं जी बताना चाहते या हमको पता नहीं है, जी दोनों भी हो सकता है। तो उसमें हम सिर्फ पता है कि हामिद को मारा गया। अब जब भी यहाँ पे भी हामिद मफूल है, यहाँ पे जी सर। हामिद मफूल है, लेकिन वो मरफू आया हुआ है, क्यों? नायबुल फाइल होता है ना सर, वो हाँ, उसकी क्योंकि जगह ले अभी लेता है। फाइल की जगह खाली है, फाइल की जी जगह खाली हो गई है, और फाइल के बगैर जुमला बनता ना, फाइल की चेयर खाली नहीं होना चाहिए, जी याद रखो, जुमले में फाइल की चेयर खाली नहीं होना चाहिए, तो वो कोई ना कोई फाइल की चेयर को ऑक्यूपाई करना जरूरी है। तो वो चेयर को उसके उसके एब्सेंस में वो चेयर को कौन ऑक्यूपाई करता है, मफूल ऑक्यूपाई करता है, और फाइल का रोल अदा करता है सेंटेंस बनाने के लिए। लेकिन वो फाइल जी नहीं होता है, वो मफूल ही होता है, मतलब वो जुमला बनने के लिए अपना रोल अदा करता है, अपने तरफ से वो जुमला बना लेता है, लेकिन वो मफूल ही होता है, ये नहीं कि वो फाइल बन जाता है, ठीक है। जी फिर नीचे हम लोग फ्यूचर में जाएंगे तो कैसा मनाते, सर, यद्रिबू, उसका भी हामीदन होना हाँ वो चाहिए तो कॉपी किया ना। हुआ है ना, वो तो कर देता हूँ, जी सर। ठीक है, समझे। तो यद्रिबू जैदुन हामिदन, यहाँ पे हामीदन भी जी सेम है, सिर्फ ये है कि जुमला किस में चला गया, मुदारे मुदारे में है। में चला गया। तो वो सेम है, युद्रबू हामिदुन, समझे, युद्रबू हामिदुन मतलब क्या हो गया, हामिदन मुदारे मजहूल हो गया, कि मजबूर। जी ये सर हामिद को मारा जाता या मारा जाएगा। जाएगा। तो ये नोट्स थी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद अब यहाँ पे देखो कि फाइल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इधर, मैंने फाइल के बारे में कुछ, फाइल कैसे होता है, फाइल किसको कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइल और मफूल, फाइल और मफूल दोनों भी क्या हो सकता है, दोनों भी फाइल, फाइल उल गाइब बोलते हैं इसको, फाइल उल मुखातिब बोलते हैं, और फाइल उल मुतकल्लिम बोलते हैं, मतलब फाइल गायब भी हो सकता है, फाइल बोलने वाला भी हो सकता है, और फाइल सुनने वाला भी हो जी सकता है। दो लोग अगर बात करते हैं तो उन फाइल मतलब उसका सब्जेक्ट जो करने वाला है, तो फाइल गायब भी हो सकता है, और वो फाइल जिसने खाना, जैसा जैद ने हामिद को मारा, हम बात कर रहे हैं, मैं और आप बात कर रहे हैं, और बात किसकी कर रहे हैं, जैद की बात कर रहे हैं, जैद यहाँ पे जो फाइल है वो गायब है, ठीक है, फाइल है वो गायब है। अगर मैंने बोला आपने मारा तो ये मुखातिब हो गया, फाइल कौन हो गया, मुखातिब हो गया। अगर मैंने कहा कि मैंने मारा तो फाइल क्या हो गया, मुतकलम मुतकल्लिम हो गया। तो ये जी। बहुत ध्यान में रखना है कि फाइल कौन है, जो लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, उसके मुताबिक सब्जेक्ट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन फाइल है, खुद वो फाइल है जो बोलने वाला है, जो बात कर रहा है वो फाइल है, या जो सुन रहा है वो फाइल है, या किसी और के बारे में बात करी जा रही है कि वो फाइल है, ठीक है। तो ये चीजें है। इसके बाद हम लोग चलते हैं दमायरुल का, सेम मफूल का भी ऐसा है, सेम मफूल भी है, हो सकता है मफूल कोई थर्ड पर्सन हो, जो थर्ड पर्सन को मारा गया, मैंने अगर ऐसा बोल, मैंने जो हामिद को पढ़ाया, तो मैंने हामिद को पढ़ा, तो हामिद मफूल है, पढ़ाने वाला कौन है, फाइल, यहाँ पे फाइल मुतकल्लिम है, जी और मफूल क्या है, गायब है, मतलब वो गायब। यहाँ पे मौजूद नहीं है, हम लोग के उसकी बात करें, हम दोनों में वो मौजूद नहीं है। ये दोनों चीजें फाइल और मफूल की आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, कि फाइल मुतकल्लिम भी हो सकता है, गायब भी हो सकता है, और मुखातिब भी हो सकता है, वैसे ही मफूल भी गायब भी हो सकता है, मुतकल्लिम भी हो सकता है, और मुखातिब भी हो सकता है, और दोनों वाहिद भी हो सकते हैं, मुसन्ना भी हो सकते हैं, और
जमा भी हो सकते और मुजक्कर भी हो सकते और मुअन्नस भी हो सकते। तो ये जी जो फाइल, अगर आप इसको काउंट करोगे तो फाइल गायब, फाइल मुखातिब तीन हो गए, वाहिद मुसन्ना जमा और जमा, करेक्ट हो गया। तो आपके टोटल कितने बनते काउंट करो, उसमें कितने बनना चाहिए? वो तीन पहले, तीन से कितने बन रहे हैं? देखो वाहिद एक मुसन्ना तीन तीन से छह तीन बन रहे हैं ना, वाहिद मुसन्ना और जमा। फाइल गायब के कितने बने? तीन बने पहले, वाहिद मुसन्ना जमा मुजक्कर और जमा मानस, तीन के क्या हो गए? छह हो गए। तो छह गायब के छह हो गए, मुखातिब के छह हो गए, और मुतकलम के, गए मुतकलम के भी छह होते हैं, लेकिन चूंकि सेकंड ड्यूअल और प्लूरल सेम होता है इसलिए उसको ड्यूअल माना जाता है, ठीक है, मतलब एक माना जी। जाता है उसको। तो एक्चुअली बनना चाहिए 18, और बनते कितने हैं? 14। हाँ कितने बनते? 14 बनते। हम लोग देखेंगे आगे कैसे 14 बनते, क्योंकि नानू और क्या होता है, नानू दोनों जगह अल्लाह और सेम, महनू ड्यूअल होते में फर्स्ट पर्सन ड्यूअल में और प्लूरल में सेम होता है। ओके चलो, मैं तुमको दिखाऊंगा सेकंड पर्सन में भी एक सेम होता है, वो देखते हैं। चलो ओके, ये मफूल हो गया। तो आपके टोटल ये जो चीज शेप, जो 14 चीजें बन रही है, इसको गर्दान बोलते हैं। ये जो 14 फाइल जी के 14 आएंगे, कि कौन फाइल है पहचानना है, कि फाइल वाहिद, फाइल गायब, वाहिद मुजक्कर है, फाइल वाहिद, फाइल गायब, मुसन्ना मुजक्कर है। तो ये सब फाइंड आउट करने को ही गर्दान बोलते हैं, फाइल को फाइंड आउट करना, इसी को गर्दान कहा जाता है, ठीक है। जी ओके, तो ये आपको, ये नोट्स में थोड़ा ब्रीफ करके दे भेजता हूँ आपको। ओके, फिर इसके बाद चलते हम लोग, मस्दर क्या है? मस्दर के बारे में मैंने इधर लिख दिया हो कि मस्दर किसको कहते हैं, ठीक है। मस्दर किसे कहते हैं? जी मस्दर मतलब किसी भी काम का नाम। हमारी नाम जितनी भी रूटीन्स है, हम जितनी भी एक्शंस करते हैं, वो सारे एक्शन का एक नाम है। हर एक्शन को एक नाम दिया गया, उठना, बैठना, खाना, खेलना, सोना, जागना, पर फिर वो एक्शन की जाती है, करने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन एक्शन मैं करता हूँ तुम करते हो, मैं खाता हूँ तुम खाते हो, कोई और खाता है, वो खाने की एक्शन कोई भी कर सकता है, फर्स्ट पर्सन भी कर सकता है, सेकंड पर्सन भी कर सकता है, और थर्ड पर्सन भी कर सकता है हो ये सकता। एक्शन, ठीक है। तो वो जो एक्शन का नाम है, उस एक्शन के नाम को नॉर्मली मस्दर कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बहुत कॉमन जो एक्शन है ना हमारी, जैसा पढ़ाई करना है ना, वो नाम दिया मैंने को, स्टडिंग मतलब मुताला करना, राइटिंग मतलब लिखना, रीडिंग मतलब पढ़ना, स्विमिंग तैरना, गोइंग जाना, मेकिंग, यहाँ पे सो लिखने में गलत हो, मेकिंग सोना, ठीक है, सही है, मेकिंग आ गया इधर, स्लीपिंग आना चाहिए था। ओके, यहाँ पे स्लीपिंग आना जी चाहिए था, सर कि मैं चेंज कर देता हूँ, अभी वो मैं बना रहा था, ठीक है। स्लीपिंग मतलब सोना, ईटिंग खाना, सो ड्रिंकिंग पीना, एक एक पीना कॉमन मैंने इसे 10-12 नाम दिए, जिससे तुमको पता चले कि मजदर किसको कहते हैं, मजदर क्या होता है, ये नाम है। जब इस मजदर को लेके हम अपनी रूटीन बताएंगे, पहले फर्स्ट पर्सन अपने जो बात करे वो अपनी रूटीन बताता है, अपने बारे में बताता है कि मैं मुताला करता हूँ, तो क्या लिखेंगे? मैं मुताला का तो इंग्लिश में लिखेंगे आई स्टडी, ये जुमला बन स्टडी गया, स्टडिंग पढ़ना मुताला करना, उससे जुमला क्या बन गया? आई स्टडी। इसमें फाइल फर्स्ट पर्सन है, जमाना मुदारे है मतलब प्रेजेंट है, उसके बारे में बात की जा रही है, मैं पढ़ता हूँ या पढ़ूंगा, ऐसे भी बोल सकते हैं अरेबिक में, फिर ये उससे जुमला बन गया। लेकिन हमको स्टडिंग ही पता नहीं होगा, ये वर्ब का नाम ही पता नहीं होगा, तो हम जुमला कैसे बनाएंगे? सकते नहीं बना जी। सकते जुमला भाई। तो ये देखे यहाँ पे लिखा हुआ है अल किताबू, अल किताबतु, लिखना। अब यहाँ पे ध्यान में रखिए, मैंने सबको अल लगा के बाद मारेफा किया, हर एक्शन को मारेफा किया गया है। आप जी बोलो क्यों हर एक्शन को मारेफा किया गया है? कौन आप बता सकता है कि हर एक्शन को मारेफा क्यों है? आप में से कौन बताएगा? खासकर पर्पस दे, मैंने बोलिए। सर ये ओके हैंड रेस करना है सर। नहीं इसने बोलिए, आप में से कोई भी बोलिए, आप में से और कोई बोलना चाह रहा है? सर ओरिजिनल कल वही है, अगर उसका कोई साइन नहीं है मतलब मारिफा है। क्या बोला आपने? उसका ओरिजिनल शक्ल वही मारिफा वाली रहती है, फिर वो किसी वजह से नसब या जर में जाता है नहीं और मतलब काम का नाम है वैसे ही आता है एक्चुअली क्या होता है, मारिफा। देखो
खाना एक ही खाना होगा ना, सर खाना, हाँ सर ये एक ही कॉमन एक्शन है होगी ना, सर, वो एक्शन जी एक ही है ना, जी जी सर यही सब बता रही उसका एक ही है, थी, इसलिए वो खास होता है, क्योंकि खास एक्शन होते हैं सर सारे, खाली एक ही ओके एक्शन रहती है ना, वो एक ही एक्शन का नाम है, जी जी उसमें सर, बहुत सारे वैसे टाइप के बहुत सारे एक्शन नहीं होती है। जैसे कि पत्थर नहीं देखेंगे होते तो हैं। बहुत सारे पत्थर है, घर देखेंगे तो क्या है, एक टाइप के बहुत सारे घर है, तो इसको खासकर एक ही एक्शन का नाम है वो, और उससे बाकी सब एक्शन अलग होती है, दूसरे एक्शन एक दूसरे से अलग होती है, इसलिए लोगों ने जितने भी स्कॉलर्स है वो लिखते हैं कि इसको मारिफा रखा जाए तो अच्छा, नहीं तो दिर्रा सतुन बनेगा, अगर कॉमन रखेंगे तो क्या बनेगा, दिर्रा सतुन, मतलब फिर बहुत सारे दिर्रा सतुन टाइप के बहुत सारे एक्शन है, मतलब उसमें जी से एक एक्शन दिर्रा सतुन है, तो बोले ज्यादा बेटर है कि हम उसको क्या करें, मारिफा करें, ठीक है जी ठीक है। इसके बाद में मजदर की रूफ डेफिनेशन इधर लिखी हुई है, अरबिक वर्ड मजदर मीन सोर्स, सोर्स हाँ, इसको माखस बोलते हैं अरबिक में, याद रखो अगर आप कोई बुक पढ़ने जाओगे ना क्या कोई भी सर, वर्ड, मैं बता रहा हूँ आपको, माखस माखस मतलब किसी चीज को अखस करना, किसी चीज माखस को ओके अखस करना मतलब उर्दू में, और बड़ी बड़ी बुक में जब आप बड़े बड़े फाइल के वर्ब के बारे में पढ़ोगे, वर्ब मजीद के बारे में पढ़ोगे, और जब वो मजीद जैसा फआला फआला अल्लमा या ऐसे तुम वर्ब आगे जाके पढ़ोगे, तो वहां पे बोला जाएगा कि इसकी खासियत क्या है, क्यों इसको अल्लामा बनाया गया, इसकी खास पर्पस क्या है इसका अल्लामा बनाने का, तो ये कहाँ से वर्ड कहाँ से इसका सोर्स आया, इसका सोर्स क्या है, तो अल्लामा अलीमा सोर्स है उसका, क्या सोर्स है अलीमा का, अल्लामा कहाँ से बना हुआ है, अलीमा को क्या अल्लामा बनाया गया है, अल्लामा बनाया बनाया गया, फआला को क्या बनाया गया है, फआला बन, अल्लाह जी सर, उसका सोर्स किधर चला गया, उसका सोर्स किधर गया, अलीमा पे चला गया, तो वो सोर्स को माखज बोलते हैं, अक्स करना किसी चीज को, अक्स करना वहां से उसको अक्स करना बोलते हैं माखज। तो जब आगे जाके आप कभी पढ़ोगे ना, जब मैं अभी आपके आपको अफाल दिखाऊंगा, फेल के बाबू आप दिखाऊंगा, तो उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी खासियत पता होना चाहिए, क्यों अल्लामा किया गया, अखराजा का अखराजा क्यों किया गया, तो अखराजा का एक्चुअली अखराजा किया गया, तो अखराजा का माखज क्या था, कहाँ से उसको अक्स किया गया अखराजा को, तो पता चलता है कि खराजा अखराजा को कहाँ से अक्स किया गया, अखराजा खराजा से से किया अक्स किया खराजा गया, ठीक है। तो ये हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे। फिर नीचे मैंने आपको बताया कि जो हम लोग ने पढ़ा कि क्या है मजदर लाजिम और मजदर मतआदी है, मतलब जिसमें एक में मफूल होता है एक में मफूल नहीं नहीं होता है, होता मजदर लाजिम क्या है सोना, और मजदर मुतअद्दी क्या है सुलाना, टू स्लीप सुलाना आई स्लीप मैं सोया, अभी मेरे को ये जी कोई नहीं, मैं बोला मैंने किसी को बोल दिया आई स्लेप टुडे मैं सोया, आज मैं सोया, तो नोबडी विल गोइंग टू, नोबडी इज गोइंग टू आस्क मी, कोई मेरे को पूछेगा नहीं, पूछने का नहीं कि क्या कि हु स्लेप्ट करके, कोई पूछेगा मुझको कौन सोया, मैंने सर अगर किसी को बोला मैंने खाया तो कोई पूछेगा कौन खाया, ये क्वेश्चन करेगा कोई, आप बताओ कोई क्वेश्चन करेगा कि मैंने बोला नहीं मैंने सर, खाया उस मैंने पढ़ा पे मैंने नहीं काम हो कहा, रहा है ना सर, तो कोई नहीं पूछे हाँ क्योंकि मैंने उनको बता दिया ना मैंने खाया, करने जी वाला जी भी मैं और खाने वाला भी मैं ही था, या मैं सोया, तो जब खुद जी कर खुद पे कोई काम किया जाए ना, खुद से किया जाए ना काम, तो उसको फेले लाजिम बोलते, क्या बोलते उसको फेले लाजिम, लेकिन काम को लाजिम किसी पे किया जाए, किसी को मैंने सोना, सोना मतलब मैं सोया ये अलग बात है, और सुलाना मतलब मैंने किसी को सुलाया तो मैं नहीं सोया, किसी पे किसी काम हो रहा है और को सुलाया, किसी को और को हंसाया, तो किसी और पे काम हो गया, तो वहां पे मफूल आ गया। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने एग्जाम्पल्स के लिए आपके लिए लिखे, कौन से एग्जाम्पल्स के लिए लिखे हुए वर्ड्स हैं, आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स के लिए वर्ड लिखे, जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, सब आते हैं, हिलाना हिलना हिलाना मैं हिला, और हिलाना मैंने किसी को हिलाया, तड़पना मैं तड़पा किसी को, तड़पाना किसी को तड़पाया, ठीक है, पढ़ना मैं पढ़ा किसी को, पढ़ाना किसी को पढ़ाया, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है सबको, जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ये नोट से, तो इसके मजदर के एग्जाम्पल्स भी आपको दिए गए। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी वर्ब बनते, अरेबिक का एक कमाल है कि अरेबिक में एक आर्ट ऑफ लैंग्वेज जिसको बोला जाएगा वो है कि वो बेस रूट लेटर्स लेते हैं, अल्फाबेट लेते हैं, मतलब यहाँ पे अगर किसी को बेस रूट लेटर्स पता चले कि कौन से मादा क्या, किसी भी लफ्ज का चाहे वो नाउन हो चाहे का वर्ब हो, किस हर्फ से बना हुआ है, उसका मादा क्या है, कितने हर्फ से बना हुआ है, अगर किसी को ये पता चल जाए तो
तो वो उसकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। लोग बोलते हैं अरेबिक टफ है, रूट निकालना बहुत टफ है, उसको जजूर भी बोलते हैं, जजूर बोलते हैं उसको, तो जजूर निकालना बहुत बोले टफ है, जजूर रमजान मतलब इसको बहुत टफ है, बोलते तीन रूट निकालना। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, और बड़े बड़े स्कॉलर्स का ये है कि जिसने अगर रूट को समझा और उसको पता चला कि रूट में कोई हर्फ को कैसे डाल के नया हर्फ निकाला जा सकता है, तो उसकी वोकैबलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बाकी लैंग्वेजेस में वोकैबलरी आपको याद करनी पड़ती, ऐसा कोई आर्ट नहीं है कि जिससे वोकैबलरी बढ़ाई जा सकती, लेकिन माशाल्लाह अरेबिक में यह आर्ट है कि आपको अगर दरबा मालूम है तो दारिब आपको ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा। जैसे आपको बताया गया कि दरबा मतलब मारना और दारिब मतलब मारने वाला। मारने वाला, तो आपकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली कैसे इंक्रीज होगी। आपको अभी मैंने फाला बोला, आपने फा के बाद अलिफ लगा दिया तो क्या बन गया, फाइल बन गया, फाइल फाइल बन गया मतलब क्या होगा, करने वाला। अभी सुनने वाला। जी आने वाली सारी जी वोकैबुलरी आपकी बढ़ जाएगी ना, नसरा सर। नासिरुन। तो नासिर। एक आर्ट, एक टेक्निक बताई गई, आपकी वोकैबुलरी बढ़ना शुरू गई। इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, कि मारना और मारने वाला ऐसा बोलते हैं हम लोग, खाना और खाने वाला। वाला। लेकिन अरबिक की बात ही अलग है, किलर किल और किलर, स्पीक और स्पीकर, ई आर लगाते हैं ना हम लोग कभी कभी, तो ये चीजें है उधर भी, लेकिन इतनी खुली और इतनी ओपन और इतनी सिस्टमेटिक वे में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो ये वो, तो हमको ये रूट्स पैटर्न्स जानना हमको जरूरी है कि एक्चुअली कितने पैटर्न्स में, कितने रूट्स में, कितने बेस रूट्स होते हैं, कितने बेस लेटर्स होते हैं जिससे अल्फाबेट्स बनते हैं, जिससे सॉरी जिससे वर्ड बनता है, जिससे लफ्ज बनता है, जिससे नाउन बन सकता है, जिससे वर्ब बन सकता है, वो कितने हो सकते, वो कितने होते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि 37 मुजर्रत होगा। मैं अब इसको थोड़ा कोई काम करता हूँ कि इस चीज को थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ इसके पीछे, ओके, ताकि आपको मेन ये पता चल जाए क्या। जस्ट सेकेंड, ये देखिए मतलब मेन क्या है, ये मेन है, जस्ट सेकेंड, ये आपका मेन हो जाएगा, सलासी मजरद। और कौन सा मेन बता रहा हूं मैं, क्या किसको कलर कर रहा हूं। मुझे देखो मैंने मुजर्रत मुजर्रत, देखो सलासी तीनों भी मुजर्रत है ना, देखो ऊपर तीनों भी मुजर्रत है, मुझे सर। अच्छा तीनों भी मुजर्रत ही आएंगे। जैसे ओके, तीनों भी मुजर्रत है, लेकिन एक सलासी है, दूसरा रुबाई है, और तीसरा खमासे। खमासी। मतलब तीन, ये तीनों में क्या है जो पैटर्न, मुजर्रत मतलब फिक्स पैटर्न, फिक्स पैटर्न बोलते हैं मुजर्रत को, फिक्स वर्ड, फिक्स अल्फाबेट, मुजर्रत उसको बोलते हैं, फिक्स होना चाहिए। तो सलासी में कितने फिक्स है, तीन है। तीन। रबाई में कितने हैं, चार, चार। और और खमासी में पांच। पांच। ये फिक्स है, ये फिक्स पैटर्न होना, पर ये हो गया आपका माखज, मतलब ये हो गया सोर्स, क्या बोलते हैं इसको, सोर्स। अब इसमें अगर ऐड करोगे कुछ, कोई भी एक अल्फाबेट डालोगे, एक हार्फ डालोगे, दो हार्फ डालोगे, तो आपका मेन सोर्स कहाँ से आया, सलासी सलासी से मुजर्रद से है। आया, मुझे उसमें रस एक ऐड डाल दिया आपने, तो क्या बन गया, मजीद हो गया। सलासी मजीद। ठीक है, आपको समझी बात, तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी कि तीन अल्फाबेट है, बेस उनका वो रहता, माखज उनका उधर ही रहता, तीन कैरेक्टर का माखज है, लेकिन उसमें अगर तीन कैरेक्टर के माखज में कुछ सोर्स में कुछ ऐड किया जाए तो फिर वो मजीद बन जाता है। लेकिन अगर आपको माखज के पास जाना पड़ा, आपको रूट के पास जाना पड़ेगा, तो आप किधर जाओगे, सलासी मुजर्रत में जाओगे, जी ठीक है। सर। लेकिन अगर रबाई रुबाई है तो रबाई में जाएंगे, ठीक है, और खमासी है तो खमासी में। लेकिन नॉर्मली अरबिक में माशाल्लाह ये वर्ड्स बहुत कम है, रबाई मजीद है, रबाई फिर भी है, खमासी तो बहुत ही कम है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, तो उसके नीचे जी डेफिनेशन लिखी हुई, सलासी मुजर्रत किसको बोलते हैं, थ्री लेटर्स होते हैं, वो लिखा हुआ है। अब जब भी आप इस मजदर को लेके, आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हो सकता है कि जो सलासी मुजर्रत है, ये सलासी मजीद है, इसके बाब है, इसके पर्टिकुलर बाब अबवाब है, इसके पर्टिकुलर पैटर्न्स है, सलासी मुजर्रत के भी पैटर्न्स है, सलासी मजीद के भी पैटर्न्स है, रुबाई मजर्रत के भी पैटर्न्स है,
और वो पैटर्न्स किस में आते, माजी में भी आ सकते और मुदारे में भी आ मुदारे सकते में हैं। भी आ आप भी सकते। पूछेंगे वो माजी, वो कौन से पैटर्न्स है, तो हम लोग आगे देखेंगे वो कौन से पैटर्न्स के बाद वाली स्क्रीन में वो पैटर्न सबको दिखेंगे वो कौन से पैटर्न से करके। तो वापस ऐसा है कि अगर आपको सिर्फ पैटर्न मालूम है कि इसके कितने पैटर्न है, 3 पैटर्न है, फिर 6 पैटर्न है, फिर 15 पैटर्न है, तो जैसे सलासी मुजरद के माजी में सिर्फ 3 पैटर्न है ना, फिर सलासी मुजरद के फ्यूचर में 6 पैटर्न है ना, नसरा दरबा, ये 6 पैटर्न आते हैं, हम लोग ने देखा था नसरा दरबा है ना समिया, ये 6 पैटर्न आते हैं, तो ये 6 पैटर्न है। और सलासी मजीद में फिर 15 पैटर्न है, कितने पैटर्न है 15, जिसमें से 10 बहुत इंपॉर्टेंट है करके। तो अभी देखो आप सोचो कि 3 पैटर्न माजी में, 3 पैटर्न है, कितने पैटर्न है 3, कौन से है तुमको याद करो, कौन से बताएगा कोई आप में से, जी सर, कौन से है? फाला फाइला यही ना सर? हाँ बराबर, फाला जी, फाउला फाइला, ये 3 फाइला है, बराबर जी लेकिन ये सर। 3 पैटर्न के बाद आपको उसकी 14 गर्दाने फाइल की भी साथ में रखनी चाहिए, मतलब फाइला के 14 गर्दान बनेंगे, फाउला के 14 14 गर्दान बनेंगे, और जी सर, फाला के 14 गर्दान बनेंगे, मतलब किसी जी को सर, पहले 3 पैटर्न, 3 अबवाब याद रखने, एक बार 3 अबवाब उसके याद हो गए तो फिर उसके पास से फाइल की कितनी गर्दाने बनाने के, अपने को 14 गर्दाने बनानी है, 14 माजी की, 14 फ्यूचर की, फ्यूचर ठीक है, तो जी ये तो सर। मस्ट है। फिर अगर वो मजहूल में जलाएगा तो फिर वही 14 माजी की मजहूल में भी बनानी है, ठीक है, जी तो ये वो पैटर्न है जितने, ये आपको इसमें मेहनत करनी, पहले सलासी मुजरद के 3 अबवाब याद रखने, फाला फवूला फईला, फिर जी उसको पहले आप माजी में लेके जाएंगे तो उसकी 14 गर्दान बनाएंगे, कितनी बनाएंगे माजी की 14 14 गर्दान बनाएंगे, वो एक्टिव वॉइस की बनाएंगे, मतलब जिसमें आपको फाइल मालूम है, फिर 14 गर्दान किसकी पता है बनेगी माजी में, जिसका फाइल आपको मालूम नहीं है, तो ऐसे 14 28 हो गए, 28 चौदह गर्दान ये हो गई, और 28 मुदारे की बनेगी, कम से कम 28 28 56 गर्दाने आपको याद होना जरूरी है। जरूरी किसी खाली 56 गर्दाने किसकी याद होनी है, खाली फाला की, फिर 56 फौला की, फिर 56 पर पहला की, और ये कोई भी डरने की बात नहीं, ये सिर्फ टेक्निक पे काम करना है, टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, आप बाय हार्ट करने की कोशिश करेंगे आपको कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है, जी उस टेक्निक पे काम, ये मैं खाली मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये इतनी चीजें। फिर आप सलासी मजीद में जाओगे, ए सलासी मजीद मुजर्रत में फ्यूचर में जाओगे तो कितने बाप बनेंगे, तीन 3 ने मुजर फ्यूचर में, मुदारे में कितने बनते हैं, फाउला फईला फाउला के कितने बनते हैं 6 बनते, दरबा समिया फता है ना, सारा पता जी सर, 6 बन 6 बनते, तो यहाँ पे अगर 3 के कितने बने थे, 56 बने थे, तो 6 के कितने हो गए, उसका डबल 112, डबल जी। ठीक है 112। फिर हम लोग चलेंगे रबाई मुजर सलासी मजीद में, तो आप 15 है, तो कम से कम 10 पकड़ के चलो, कितने पकड़ेंगे 10, ओके, तो वो 10 है, तो 10 के खाली माजी में अगर 14 रखेंगे तो 140 बनेंगे, फ्यूचर में रखेंगे तो कितना बनेंगे 240 हो गए, फिर मजहूल डबल करेंगे तो 500, तो ये गर्दाने अगर आप याद करने जाओगे, मेरा बोलने का मतलब ये गर्दाने अगर आप याद करने जाओगे ना, तो याद रखो कि बहुत ज्यादा गर्दाने आदमी याद भी नहीं रख सकता, इसको किससे सीखना चाहिए, इसको टेक्निक से ही सीखना काम जरूर करना है, एक 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 लॉजिकल टेक्निक होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंंग होनी चाहिए कि पाप बनते कैसे हैं, किसको याद रखा जाए, इसलिए बोलते हैं हमेशा याद रखो उसके माखज को, उसके सोर्स को याद रखो कि वो सोर्स किधर से आया, फिर उसमें देखो क्या मजीद ऐड हुआ है, और फिर जो गर्दाने का पैटर्न है वो पैटर्न दिमाग में बैठा दो कि कौन सी चीज डालने से वो गर्दान आ जाती है, जैसे मैंने आपको कहा दरबा को अलिफ डाल दिया दारिब बन गया, साला को अलिफ डाल दिया साहिल बन गया, तो वो टेक्निक है एक्चुअली, वो टेक्निक पे हमको काम करना जरूरी है, ठीक है, मैं जी आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको नोट्स भी ये समझ में सर, आ जाएगी, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक अच्छी नोट्स बनाऊँ, ये वो अबवाब फेल है, देखो अभी मैंने सिर्फ सलासी मुजर्रद के अबवाब दिए, रवाई नहीं है और खमासी नहीं। नहीं है, देखो माजी में देखो कितने फाला 3 बाब हो गए है ना, फ्यूचर फ्यूचर में कितने बन जाएंगे, ये मुदारे में 6 बन गए ना, ये मुदारे में, ये माजी में है, जी पाला फाइला ये भी माजी में, और फ्यूचर में क्या ये
कितने इसमें मैं ऊपर लिख देता हूँ, चाहिए तो ये माजी है करके, ये फ्यूचर है करके, यहाँ पे लिखा हुआ है ये माजी है, देखो दिख रहा है ना माजी ऐसा लिखा। है ना। एक्चुअली माजी में देखो ये तीन ही है ना सेम, एक दो और तीन, तीनों भी सेम है। ओके इसको माजी जी में, लेकिन फ्यूचर में क्या हो गए वो चेंज हो चेंज गए। होगा। ठीक है, तो ये वो सलाह से मुजरद के अबुआ पे पहले छे है जो माजी में है और फ्यूचर में है, छे और तीन मिला के आपको याद रखने हैं। और फिर ये सलासी मजीद फी के अबवाब है, कितने दिख रहे हैं आपको इधर, 12 दिख रहे थे, एक्चुअली है कितने 15 है टोटल हो। ठीक है, लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स का बोलना है कि 10 तक आप किसी को भी सिखाओ, 10 के ऊपर मत सिखाओ, क्योंकि वो बहुत कम कुरान में आए हुए। और यहाँ तक कि बहुत एकदम हाई, जब बोलते हैं ना स्किलफुल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, अरेबिक भी हाई लेवल की जाने, ऑथर लेवल की लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, वो ऑथर लेवल की लैंग्वेज पे कोई जाएगा तो जब जाके उसको वो आपो आप जरूरी पड़ेंगे, वरना यूं कम्युनिकेशन में भी बोले इतने ज्यादा लगते हैं, स्पोकन में भी इतने नहीं लगते, और कुरान में तो बहुत कम ही है, 8 या 9 ही है कुरान में। ठीक है, तो मैंने ये वो बाप भी आपको लिख के दिए कि कौन से वो बाप है जो मस्जिद में आते हैं, समझ में है ना। तो सर जिनका एक्सक्यूज मी क्या सर, हुआ, माजी में भी देखिए ना आपने वो पांच वो छह तो लिखा हुआ ना माजी में भी, फतह और बराबा नसर समिया लेकिन देखो ये सता। सब सेम है ना, पैटर्न खाली देने के लिए लिखा हुआ। देखो दरब ओके फता दरबा सेम ही जी है जी ना, जी या राइट राइट सर। दैट्स देयर इन फता, दैट्स ओके, दैट्स देयर बिकॉज़ इट इज सेम ना, बट वी हैव टू यस राइट ना, सर बिकॉज़ वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाट फ्यूचर इज देयर अबाउट, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू मेक अ फ्यूचर फ्रॉम द सेम वर्ड ना, जी नसरा, जी दैट्स अ नसरा का बन जाएगा यंसुरु, सो आई हैड टू राइट दैट यू नो टू शो दैट जी कि सर नसरा हैज बिकम यंसुरु एंड दरबा हैज बिकम यद्रिब, बट फाइला जी के बाप पे फता नदरबा नसरा ऑल ऑन फाइला बाप, बट जी व्हेन दे गो टू फ्यूचर यू मेक द फ्यूचर दे इट विल बी कंटिन्यू। दे यस चेंज, ओके दे चेंज एक्चुअली, दैट इज देयर, यस ओके यस सर अंडरस्टूड, जैसा कुल यस सर यस सर अलहमदुलिल्लाह दैट इज देयर, ओके चलो। तो आर यू गेटिंग दिस, सब आपको समझ में आ रहा है। मैं ये नोट्स आपके लिए कोशिश कर रहा था कि एक ऐसी शॉर्ट नोट जो एक होता है कि लैंडमार्क्स बोलते, याद रखे किसी भी एरिया में आप घूमने जाओगे या कहीं आप जा रहे हो रेगुलर और आपको चीजें याद नहीं रहती तो लैंडमार्क कोचिंग बोलते हैं इसको, लैंडमार्क कोचिंग ट्रेनिंग ऑफ लैंडमार्क ट्रेनिंग बोलते हैं, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं डाला जाता है कि क्या थेरी है कितनी एक्सप्लेनेशन है, वो ज्यादा पहले एक्सप्लेनेशन नहीं दिए आपको, लैंडमार्क दिमाग में बैठा कि आप याद करोगे आप इधर गए थे करके वहां जगह पे, पहले लैंडमार्क दिखाएंगे फिर आपको बोलेंगे उसके आजू बाजू में क्या था सोचो। तो मैं आपको ये लैंडमार्क कोचिंग दे रहा हूँ, ये लैंडमार्क फिर इसकी थ्योरी, इसका डिटेल नोट्स भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा बनाने की कि इस पेजेस की क्या डिटेल नोट्स होती है, बट इवन दिस लैंडमार्क थ्योरी विल हेल्प यू लॉट टू अंडरस्टैंड, ओके आपको कोई जजाकल्लाह सर जी। ओके दिस इज देयर, क्या होगा आने तो काफी ज्यादा लिखा हुआ भी, बड़ी जितनी बड़ी बुक देखेंगे उतना जल्दी टेंशन आ जाता है कौन पढ़ेगा करके, कितना कब पढ़ेंगे करके हम लोग, जैसे मैंने आपको बोला 512 बाब आएंगे, आप आदमी बोलेगा अरे 512 बाब पूरे मैं लिख के भेज दे दूंगा, आप बोलेगा कौन याद रखेगा, किस हाउ कैन वी रिमेम्बर ऑल दोस थिंग्स यू नो, दैट कुड बी डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई पीपल से डोंट शो मच इंस्टेड ऑफ शोइंग शो द व्हाट इज द बेसिक एक्चुअली एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट, ओके तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग फॉर दैट, ओके चलो। फिर आपको अब ये अब आप याद हो गए आपको कि मस्जिद सला से मुजरद के अबवाब, ये मैंने खाली दिखाया है ये आपको ध्यान में रखना, इसको हमको जाके आगे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे इसके, क्या मिलेंगे इसकी एक्सप्लेन, जैसा कि पीपल से क्या टॉपिक है देन डेफिनेशन, आफ्टर द डेफिनेशन देन द एक्सप्लेनेशन, ओके तो फर्स्ट यू शुड नो द टॉपिक एक्चुअली, वंस यू नो द टॉपिक एंड हैव अ ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक देन यू कैन हैव एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन, ओके ये लैंग्वेज को सीखने का तरीका होता है, ओके दैट इज दैट। अब यहाँ पे चलते हैं, मैंने आपको बताया कि आपने अबवाब देखा, अब अबवाब किस में कन्वर्ट होंगे, गर्दान में कन्वर्ट होंगे, उसको क्या कनेक्ट किया जाएगा, उसको डुअर कनेक्ट किया जाएगा, करेक्ट है ना, जी दैट वी सर आर गोइंग टू कनेक्ट द डुअर फॉर दोस अबवाब ना, तो हम लोग यस एक ने एक पैटर्न लिए फाला का पैटर्न लिए और उसकी गर्दान कैसे बनती है, डुअर कैसे कनेक्ट किया जाता है, ताकि वी कैन नॉट वी आर नॉट एबल टू यू नो रिमेंबर ऑल 500 और मोर देन 1000 यू नो अबवाब दिस गर्दान आर देयर, इफ यू कैलकुलेट ऑल माजी मुदारे एंड ऑल एवरीथिंग देन इट कुड बी मोर देन 1000, ओके 1000 से ज्यादा हो सकता है ये, तो उसको टेक्निक कैसे याद की जाएंगी, तो यहाँ पे वो टेक्निक बताई गई है कि सबसे आपको पहले पता पलना चाहिए कि फाइल आपको किस फाइल की बात कर रहे हो, मुजक्कर की बात कर रहे हो मोनस की, फिर वो गायब है या मुखातिब है, आप किसकी बात कर रहे हो, ठीक है अगर वो गायब है मुखातिब है तो उसमें क्या चेंजेस आएंगी, कौन सी चेंजेस होगी, उसका बेसिक पैटर्न क्या होगा, उसका बेसिक पैटर्न फाला का होता है ना,
अपने एक बेसिक इफ़ाला का पैटर्न क्या है, मुखातिब है गायब है मुतकल्लिम, तो पता जाएगा कि बेसिक पैटर्न गायब है, और गायब है तो मुजक्कर है या मौनस है, तो बोले मौन मुजक्कर है। अच्छा सिंगुलर है क्या प्लूरल है, तो बोले सिंगुलर है। अब ये पैटर्न को लेके फिर उसको पूरे बाकी के कैसे बनेंगे इसको लेके, तो उसका आर्ट ऑफ मेकिंग क्या है, देखो यहाँ पे क्या ऐड किया गया है, अलिफ किसके लिए अलिफ ऐड किया गया है, ट्वेल जी के लिए, मुसन्ना दोनों के के लिए लिए अलिफ ऐड किया गया, करेक्ट। जी अच्छा मुसन्ना के लिए क्या, मुजक्कर के लिए ऐड किया गया, मुसन्ना मुजक्कर, मुझे और वो कौन है, वो गायब है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाई द अलिफ वेयर द अलिफ इज ऐड, किसमें अलिफ ऐड हो रहा है, तो उल्टा बोलेंगे तो आएगा गायब मुजक्कर मुसन्ना, या मुसन्ना मसन मुजक्कर गायब। यू कैन कम गाय बट दिस वे दिस वे दैट वे यू कैन कम, एंड दिस आर द दैट पर्टिकुलर गर्दान से जो आपको याद करनी के बजाय आपको बनाने की प्रैक्टिस करना जरूरी है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको चार्ट दिए थे, मालूम है ना हमारा चार्ट था वो नंबर्स के अंदर, दैट जी सर वाज दिस जी वन। सर वंस यू मेक दैट देन यू कैन प्रैक्टिस रैंडमली, नॉट सिक्वेंशियली, इट्स नॉट गुड टू मेक सिक्वेंशियली, एक रास्ते से एक जैसे पढ़ते ही जा रहे हैं। रैंडमली समथिंग यू कैन स्पीक अबाउट रैंडम थिंग्स यू नो, और रैंडमली यू कैन डू थिंग्स, जब आप कोई चीज रैंडमली कर लेते हो तो आपकी प्रैक्टिस आपके कंट्रोल में आ जाती है, वो चीज आपके कंट्रोल में रहती है। जी लेकिन अगर सर कोई चीज सिक्वेंशियली करेंगे तो आप लोगों को ऐसी आदत पड़ती है पहले ये होगा फिर बाद में होगा फिर बाद में वो होगा, और एक बीच में से घड़ी टूट गई तो क्या हो गया, सब ब्रेक हो जाता है, जी सर ठीक है। ये चीज है, तो दिस आर द थिंग। तो इसके बाद हम चलते, ये आपने मैंने आपको बताया, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो तीन माजी के जो तीन थे ना, कौन से, फाला फाइला फाउला, वो कैसे बनते हैं, कुछ भी नहीं है। एक फाला आपको याद हो गया तो फाइला बन सकता है, फिर फाउला भी बन सकता है, क्योंकि उसका आयन कलमा की सिर्फ हरकत क्या हो जाती है, चेंज हो जाए जाते हैं। तो कहाँ फिर हम लोग को 1,000 गर्दान याद रखने की जरूरत है, खाली एक पैटर्न जी हमको ध्यान में रखना है, एक टेक्निक ध्यान में रखनी है कि अगर वो माजी का बाब है तो ये पता करना कि फाला फईला के बाब पे या फउला के बाब पे, अगर आपको पता चला तो अगर वो फईला के बाब पे तो उसके आयन कलमे की हरकत क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो जाए कसरा में चली जाएगी। तो यहाँ पे वो सेम, देखो सब पैटर्न सेम है, सबके अलिफ वाव ता ता जितने भी है ना जमीर सब सेम है, देखो कुछ चेंज है जमीर में, यहाँ पे लिखी नहीं हुई देखो ये जमीर है ना, ये जमीर लिखी हुई है ना, कहीं पे भी चेंज नहीं है जी जमीर में, ये जमीर सेम है, ये जमीर सेम है, सेम जमीर है, यहाँ पे फाइला के भी जमीर सेम है, यहाँ तक के जो कैरेक्टर्स है जो हरकत है उसमें कहाँ पे चेंज आ रहा है, सिर्फ आइन कलमा पे चेंज आ चेंज रहा है। बट इट अगर ऐसा कोई आप बोल गए अरे फईला फईला के लेके गया 14 गर्दाने 28 28 इंटू 56 गर्दाने खाली फाला की है मशहूल मारूफ पकड़ के, तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और बुक में अगर किसी ने बुक में ऐसा लिख भी दिया है ना, तो देखने वाला बोले सोचेगा कि अरे बाप रे 14 इतने कैसे मैं याद कर सकता हूँ, जी तो है सर ना डिफिकल्ट हो सकता है, बट इट्स अ टेक्निक है, यू हैव टू गो विद द टेक्निक एक्चुअली, ठीक है। दिस इज देयर, तो ये आपको फाला फला की मैंने चार्ट दे दिया हूँ, आप देख सकते हो कि कहाँ चेंज आ रहा है, कौन से कैरेक्टर पे चेंज हो रहा है, कहाँ पे सुकून आ रहा है, कैसे हमको बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी है, दैट इज ऑल गिवन टू यू पूरा एकदम। मैंने ये भी दिया है कि देखो कैरेक्टर में कहाँ फर्क होता है, कहाँ पे सुकून किया जाएगा अल्फाबेट को, कहाँ पे हरकत सेम ही रहेगी, वो ये जो थर्ड ये कॉलम है ना आपका, इसमें वो बताया गया है, ओके ठीक है। देन प्रैक्टिस ऑफ, अब यहाँ पे आपको उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है, ये वो प्रैक्टिस का चार्ट है कि फाला पे अगर प्रैक्टिस करनी है तो फाला पे आने वाले कौन से बाब है ना, तो फतह है, जाला है, जहाबा है, सना है, तरह है, ये फाला पे आने वाले अल्फाबेट्स है। फईला पे आने वाले कौन से अल्फाबेट्स है, अलीमा है, अमीला है, गदीबा है, शरीबा है, ये फईला पे आने वाले अल्फाबेट्स है। फिर फऊला है, तो फऊला पे आने वाले करूबा है, बऊदा है, सऊला है, ये अल्फाबेट्स आपके आने वाले। अब इसकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी चाहिए, जैसा फतह है तो फतह को लिया अपने, एक मान के लिया चलो आपने लिया, करा को लिया खटखटाना, अब करा को लिया हमने है ना, अभी मैं अब करा को ले लेता हूँ, और करा कौन से बाप पे, फाला के बाप पे, ठीक है। बा चलिए अभी हम बैक वापस जाते हैं, पीछे इस स्क्रीन पे आते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देख करा लिया, तो करा किसके बाप पे आएगा, फाला के बाप पे आए ना, तो कुछ नहीं, अब यहाँ पे आपने करा लिख दिया, अब पहला तो सेम रहेगा है ना, यहाँ पे सर सेम रहेगा, अब यहाँ पे मैंने रख दिया तो ये करा क्या बनेगा, करा आ बनेगा है ना, सर अलिफ वाव ऐड कर दीजिए, और जी इधर रख सर दूंगा तो
अराउ बनेगा, लास्ट में क्या है? यस सर, दफा वाह है। यू कैन टेक दिस चार्ट एंड यू कैन मेक द चार्ट एट होम। ओके, आप ये चार्ट से वो चार्ट से ये चार्ट बना सकते हो। तो अगर आप इतनी भी प्रैक्टिस कर लो बनाने की, कितनी जो यहाँ पे वर्ड्स दिए ना मैंने आपको, जी ये वर्ड्स दिए ना, फता अजाला जहाबा सना, बहुत सर्च करना पड़ा मुझको कि उसको अलग करके प्रॉपरली आपको उसकी मीनिंग है इंग्लिश में, और एक करके माशाल्लाह अल्लाह का फजल है कि कहीं ना कहीं कर पाया मैं इंशाल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो चीज है ना, ये आपको मैंने दी, यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दिस, आपको इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब मैं आपको बोलूंगा, देखो फतह का कितने बनेंगे, अगर फतह के बनाओगे तो कितने बनेंगे, 14 बनेंगे। ठीक है, फाला में तो 14 बनेंगे, किसके, ये माजी के 14, और 14 आपको बनाने वो मैं आगे लिखूंगा, वो मजहूल के बनाने, कितने बनाने, मजहूल के, मतलब तो फतीहा बनेगा वो। ओके, फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे बनते करके, मजहूल भी देखेंगे। सेकंड, पहले आपको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, फर्स्ट आपको जो आफ्टर प्रैक्टिस क्या करना है, आपको एक्टिव के बनाओ, किसके मतलब मालूम मालूम के बनाओ करके। ठीक के है, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको यूजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैंने ये फतह का तीनों बाप की मैंने सेग्रीगेट करने की कोशिश की, ये फतह के बाप पे, ये दराबा के बाप नस पे, ये नीचे वाले नसरा के बाप पे, ये हसीबा के बाप पे। याद रखना कि हसीबा में बहुत कम वर्ड्स आते हैं, अब सो मच सर्च के बाद मुझको कुछ वर्ड्स मिले, वो भी मेरे को मौतिल मतलब तातिल वाले वर्ड्स देने पड़े, जिसमें वाव या ये आता है, तब जाके कहीं मुझको हसीबा में वर्ड्स मिले मुझको। आई हैड सर्च लॉट ऑफ बुक्स एंड सो मेनी बुक्स, आई ट्राई टू गेट द आइडिया कि क्या मिलेगा मुझको, बट स्टिल आफ्टर सर्चिंग सो मेनी बुक्स आई जस्ट गॉट फ्यू ऑफ द फ्यू वर्ड, तो हसीबा पे बहुत कम है। ओके, अंडरस्टूड, देयर इज वेरी फ्यू, बट ठीक है, हम लोग को कुरान के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, बट इट कुड बी, अगर ऑथर एक लैंग्वेज लैंग्वेज स्किलफुल लैंग्वेज होगी तो शायद ज्यादा भी हो सकते। ओके ठीक है, ये हसीबा में लिखा गया है ना, ये हसीबा, यहाँ से नीचे हसीबा है, अरे करूबा तो पूरे के पूरे करूबा के वापस। ओके, सो ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस होम असाइनमेंट है ना। ओके, समझे, तो ये आपको घर पे करनी चाहिए, ये कोशिश कीजिए कि आप करिए, आप बनाए इसको, फिर हम वो चार्ट जब करेंगे ना, कौन सा वाला, जो रैंडम चार्ट था ना नंबर वाला, तो मजा आएगा आपने इस पे प्रैक्टिस किए करके। तो फिर हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, पहले मुदारी की तरफ चलते हैं। माजी कंप्लीट हो गया ना हमारा। सर ओके, माजी में हमने जी क्या सर, देखा, फाला फाइला और फाउला, बट यहाँ पे बाबू याद रखिए सलासी मुजर्रद के बाप जी है, जी मजीद के बाप नहीं, ये पूरी नोट सलासी मुजर्रद के आसपास घूम रही है, ध्यान में रखना इंशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद हम चलते किधर, हम चलते फेले सर मुदारी की तरफ। ओके, मदार फेले मुदारी की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, हम देखेंगे क्या चेंज आ रहा है उसमें, जैसे एक स्क्रीन मेरी आगे चली गई, ये स्क्रीन को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ये फेले मुदारे में नहीं आती, फेले माजी में नहीं। अब फेले माजी में मैंने एक और स्क्रीन बोलना भूल गया, आगे निकल गई थी, कि आपको मफूल ऐड करना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए, लास्ट में आगे आपके गर्दान पूरी हो गई, फाइल आपको बनाना आ गया, फिर आपको किसको लाना है, मफूल को लेना है, किसको लेके आना है, मफूल, मफूल उसमें उसमें मफूल लाना जरूरी है। आप मफूल कैसे लाओगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मफूल में भी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया, मफूल में भी जमीर होती है ना, फर्स्ट पर्सन, जम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अटेम्प्ट उसमें भी होता है ना। तो मेन क्या है, पहले ये पता करने का, आपका मफूल, आपका मफूल जमीर में है कि जाहिर है। अबे दरबा खालिदुन जैदन, दरबा खालिदुन जैदन, ठीक है, तो जैदन, दरबा खालिदुन जैदन में क्या है, जैदन मफूल है लेकिन वो जाहिर है, जाहिर जाहिर है ना, किसको मारा गया उसका नाम सामने जाहिर है, जमीर में नहीं बोला जी गया। ठीक है, तो जी जब जमीर में अगर मफूल आता है तो वो जमीर कौन सी होती है, और वो नॉर्मल जमीर है, जो अटैच प्रोनाउन बोलते हैं हम अटैच लोग, प्रोनाउन अटैच प्रोनाउन, मुत्तसिल प्रोनाउन जिसको बोलते हैं ना, मुत्तसिल जमीर, जो हमने किधर जी पढ़ी है, नाउन में पढ़ी है, ठीक है, वही जमीर इधर मफूल बनती है, याद रखना, वही जमीर क्या बनेगी, मफूल बनेगी, किताबु हु, किताबु हा, किताबु का, किताबु कुम, ये जो जमीर हमने पढ़ी कि तेरी किताब, मेरी किताब, उसकी किताब, इसकी किताब, वही जमीर इज गोइंग टू बी एट हियर एज अ मफूल, एज अ ऑब्जेक्ट यू आर गोइंग टू यूज देम, इफ यू आर यूजिंग, अगर उसको जाहिर कर रहे हो
then they no need to use that zamir. But if you're not opening, disclosing the, you know, that particular maful. But kya hota hai ki first person and second person mein, we never disclose our name or we never take our name actually. Not disclose, we never take our name. Hum jab first person ki baat karte hain ya second person ki marte hain, jaise maine bolunga usne mujhko mara, to I will never say maine usne Irfan ko mara. Yes. Yeah, usne Irfan ko padha. I cannot say that, na? I have to say usne mujhko mara. Mujhko. The word Irfan, instead of the word Irfan, the name Irfan, what the word came? Mujhko mara. Mujhko mara. Na? He killed me. Or he hit me. So that me is using, you are taking the me word. That is on Zamir. And that's called... Dar bhi hoga na, sir. एक्चुअली उर्दू और इसमें उर्दू में और उर्दू में दोनों फर्क है. अरबिक में ये उर्दू के वर्ड है ना जमीर. दैट वाज सम पीपल से जमीर भी बोलते हैं बट एक्चुअली अरबिक का प्रोनाउंसिएशन लॉट ऑफ बोलते हैं कि दवा द्वार दर किसका अरबिक का उर्दू अलग है. ये दोनों दोनों के बीच में लैंग्वेज है ना उर्दू और इंग्लिश. क्या अरबिक एकदम क्लोज बाय क्लोज है ना. उर्दू में थोड़े प्रोनाउंसिएशन अलग है और अरबिक में थोड़े अलग है. इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे और तजवीद के लेक्चर में देख लेंगे हम लोग इंशाल्लाह. ठीक है क्या है इंशाल्लाह. ठीक है तो आपको जमीर आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट जमीर व्हाट दैट्स एक्चुअली क्या है प्रोनाउंस क्या है वो आपको पता होने चाहिए. तो यहाँ पे उसकी लिस्ट दी गई कि ये प्रोनाउंस है कौन से प्रोनाउंस है ये वाले ठीक है आपको ये देखिए ये वो प्रोनाउंस है. आप भी अगर कोई किसी को बोलेगा कि उसने मुझको मारा तो मैं अपना नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा ना. तो मुझको क्या अटैच करनी है आई हैव टू अटैच जमीर ना. जमीर जी जमीर को अटैच करना मस्ट हो गया ना फिर हमको जी. फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन में आपको जमीर अटैच ही करनी है. थर्ड पर्सन में आपको ऑप्शन है यू अटैच और यू ओपन दैट उसने उसको मारा या उसने जैद को मारा. ठीक है दैट कुड बी पॉसिबल बट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन वी कैन नॉट make the sentence of object. You cannot use the object as a name, okay? Because first person, second is not used actually, okay? आप समझ में आ? तो वो ज़मीर ये है. अब वो ज़मीर कैसे अटैच की जाती है? That is there we have learned. But यहाँ से मैंने थोड़ा भी direct simple नहीं दिया था. Actually एक practical chart था मेरा, जो मैंने आपको दिया. मैं आप simple बना के दे दूँगा. इसके पहले एक chart बना देता हूँ, जिसको simple है. दरबा है ना? अभी दरबा के साथ में, है ना? आपको पहले file choose करना है. आपने फाइल चूज किया दरबा के साथ में. एक चलिए हम लोग मैं आपको बताता हूँ. मैं ऐसे नहीं सिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ इसको सेपरेट लेके चलते हैं. यहाँ से बाहर निकल जाते हैं स्क्रीन से और फिर आपको सिखाने मजा आएगा. ठीक है ये दरबा ले लिया है के? अब मैंने आपको क्या बोला मालूम है? मुझको बोलना है तुमने मारा. पहले मुझको फाइल लाना है तुमने मारा. तो दरबा क्या बनेगा आप में से बताइए? तुमने मारा दरबता. तुमने मारा ना करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा साकिन हो जाएगा. जस्ट सेकंड ऐड हो जाए. जस्ट सेकंड ये दरबता क्या बन जाएगा आपका? साकिन हो गया जी सर. और फिर इसके पास आप भी फाइल आप अटैच कर रहे हो. क्या अटैच कर रहे हो? पहले इसको साकिन करना जरूरी हो गया. ये राइटिंग का वो ये टेक्निक है. फिर अभी हमने उसको अटैच किया और अटैच करके उस पर हम लोगों ने फतह दिया. तो ये ता बताता है ये सेकंड पर्सन मुज़क्कर की क्या है सिंगुलर की अलामत. ये फाइल की अलामत. ये फाइल है सेकंड पर्सन मुज़क्कर फाइल है ये. तो ये तुमने मारा बन गया. अब इसके बाद मुझको क्या अटैच करना है कि किसको मारा? क्या अटैच करना है? किसको मारा? तो मैं अगर बोल दूं क्या उस लड़के को मारा तो उस लड़के के लिए जमीर क्या आएगी या उस मर्द के लिए जमीर क्या आएगी? वो आएगी. फिर वो हम लोग अटैच करेंगे क्या होगा? जमीर अटैच करेंगे और बन जाएगा दरबता. अगर मैंने बोला उसने मुझको मारा तो यहाँ पे नी की जमीर ऐड करनी या की जमीर ऐड की जाती है. लेकिन फर्स्ट पर्सन में क्या होता है खाली डायरेक्ट या नहीं ऐड किया जाता है. रीजन है उसके वी कैन एक्सप्लेन टोन और लेटर का भी उसके बारे में बात करें. क्यों ना ला गया बीच में तो उसको ना के साथ में जोड़ दिया जाता है. ना का सपोर्ट दिया जाता है तो क्या बन जाएगा? दरब तनी. क्या बन गया? दरब तनी. तूने मुझको मारा. अभी यही एक वर्ड कुरान शैतान अल्लाह से जब डिस्कशन करता है क्लाम करता है बोलता है क्या? तूने मुझको पैदा किया.
खलकतन, इसको चेंज करके हम लोग किधर चलेंगे अभी, खलका में चलेंगे ना। जी सर। ये हमारा वर्ड क्या है, खलका जी, ये वर्ड है, दिस इज अ वर्ड खलका, करेक्ट जी, दिस इज अ वर्ड खलका। अब शैतान बोलता है अल्लाह को कि तूने मारा, ये खलका क्या बन जाएगा, ये आपका टेक्निकल शकुन, ये बन गया आपका खलकता, ठीक है, इट्स बिकम खलकता, तूने मारा, किसको मारा, नहीं मुझे, सॉरी बनाया, सॉरी तूने पैदा किया, किसको पैदा किया, मुझको पैदा किया, क्या बोला वो खलक तनी, तनी यस, ये बन गया खलक तनी। वो अभी वो बोलता है खलक तनी मिनन नार, तूने मुझको किससे पैदा किया, आग से, आग से। नाउ ही सेज दैट, अब बाद में उसको ये भी बताता अल्लाह को ये पता, और उसको पैदा किया किससे, उसको किसको, मिट्टी से। हाँ तो यहाँ पे नान, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बदल रहा है वो जी, बात अल्लाह को ही बता, तूने पैदा किया मुझको, तूने पैदा किया उसको, उसको किसको, तो क्या यूज किया उसने, तूने उसको पैदा किया, करेक्ट, खलक तनी तूने मुझको पैदा किया। नाउ सी हियर, नी के साथ में मैं अपना नाम लूंगा, शैतान ने बोला कि तूने शैतान को पैदा किया, नहीं सर, है ना, लेकिन खलक तो मैं बोल सकता है, खलक तो मैं बोलता, वो ये बोल सकता था क्या, खलक तल इंसान, क्या बोल सकता था, इंसान तल इंसान, ओके, खलक तल इंसान, ये बोल सकते हैं ना, हाँ, लेकिन खलक तल, खलक तल, खलक तल शैतान बोल सकता था वो, नहीं आता मुतकलिम के लिए, नहीं आता ऐसा, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, ये याद रखिए, इसलिए जमीर जानना जरूरी है, एटलीस्ट फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए तो जमीर मालूम होना जरूरी, ना तो मफूल आप नहीं भूल पाओगे, ओके, दैट इज, तो वो जमीर याद रखना जरूरी है। तो ये खलक तनी भी हो सकता था, खलक तल इंसान बोलेंगे तो भी सहीगा, ये भी बोलता खलक, खलक तल इंसान, लेकिन इससे पहले इंसान की बात हो चुकी थी उधर, इसलिए फिर उसको बार बार इंसान का नाम लेने की जरूरत नहीं, दैट्स व्हाई इट इज दैट के खलकता हूं मिन तीन मिन तुराब, समझे ना, तो जिससे उसने उसको, तूने उसको उससे पैदा किया, तो मिन तीन एक्चुअली है वो खलकता मिन तीन, तो ये दिस इज द वे यू कैन अटैच, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका मफूल आ जाएगा आपका, करेक्ट, और वो मफूल की जमीर ये है, हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, या तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि जब ना आएगा ना, ना तो ना आपको है ना दोनों में मिलता है, मफूल में भी मिलता है और फाइल में भी मिलता है, आपको समझाया था, याद है शायद आपको, जी सर, मैंने फाइल में भी समझाया बताया, अभी देखो मैं आपको लगता हूँ, मान के चलिए मैंने ये लिखा, अगर मैंने ऐसा लिखा, खलकना, अभी ना मफूल भी था जी सर, अगर मफूल भी ना है फाइल भी ना, तो फिर यहाँ पे ये मफूल है क्या फाइल है सर, हमने ये सर फाइल है सर, फाइल। वो तुमने को, तुमको ट्रांसलेशन मालूम है, अगर ट्रांसलेशन नहीं मालूम होता तो हाँ। ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट किया हमने बट बगैर देखे बोलते तो कैसे बोलते, अगर आपको मीनिंग नहीं मालूम है ना सर, वो उसमें ये देखिए पहचानते हैं ना, ये पहचान है उसकी, पहचान है हाँ सुकून की, इस पे क्या है ऊपर सुकून है, तो सुकून जब आएगा तो उसके बाद ना फाइल हो जाता है, लेकिन अगर ये ऐसा होता खलक का ना जी सर, मफूल हो जाता, उसने पैदा किया हमको, हमको क्योंकि याद रखो डबल ना नहीं आएगा, हमने पैदा किया हमको कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा जी सर, किसी और ने पैदा किया, किसी और ने किया वही आएगा हमको, ठीक है, तो ये सुकून ध्यान में रखना चाहिए, एक सुकून से आपकी क्या हो जाएगा, सुकून फाइल से चेंज हो रहा है ना सर, मीनिंग चेंज हो, एक हरकत की वजह से आपका फाइल मफूल बन सकता है, मफूल हां फाइल मफूल बन सकता है, ठीक है, मीनिंग चेंज होता है जी, मीनिंग चेंज होता है, अरे अबे तजवीद में बोलते ना आप प्रोनाउंस करो, सुकून को प्रॉपर प्रोनाउंस करो और का को बराबर प्रोनाउंस करो और ना को बराबर प्रोनाउंस करो, अभी तुमने इसको अगर ऐसा प्रोनाउंस कर दिया खलक का ना जी सर, तो क्या बन जाएगा, अब औरतों ने हो गए सर ना, हाँ क्या हो जाएगा, बोनस की जमा हो जाती है सर खलक ना, लेकिन वो बनेगा नहीं ना क्योंकि नहीं दो मफाइल आ गए ना, खलक का ना फिर क्या हो जाएगा, खलक ना होना चाहिए ना, खलक जी सर, कुछ ओके दिस इज दैट, तो ये आपको समझ में आया, तो ये फाइल की जमीर अटैच करना
जरूरत को, तो आपको एक जगह पे खाली फोकस करना है, किधर ध्यान रखना है, वो नाम है। नाम है क्या होता है, मफूल फाइल दोनों की जमीर, दोनों भी आते हैं समीर सेम आती करके। फिर मैंने आपको ये इसमें दिखाया कि मैंने कि आपको बताया कि आप इसको पहचानो कि इसमें पहचानना है आपको, क्या पहचानना है, ये जो पेयर बना हुआ है किसका, आगे ता लगा हुआ है ना, जी सर, ये ता और हु का पेयर है, तो यहाँ पे देखो उसका कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे हु किधर है, सी में है ना, सी दिख रहा है ना, ये हु जी सी में है, ठीक है ना, ये हु सी में है ना, सी वाला हु है, जी और ता किधर है, ता इधर है देखो, जी सर, तो ये जो पेयर बना हुआ कैसा बना हुआ है, नाइन नाइन को लिया गया है, नाइन और अच्छा अच्छा थ्री, नाइन 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 ऑन सी, थ्री, नाइन सी बन गया, नाइन सी जी बन सर, गया, क्या बन गया, नाइन सी, मतलब नाइन में क्या हुआ, सेकंड पर्सन है नाइन में मुजक्कर, और मफूल क्या है, थर्ड पर्सन थर्ड सिंगुलर। पर्सन सिंगुलर, तो खाली आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है ये जो बना हुआ है यहाँ पे कौन से पैटर्न पे बना हुआ, तो यहाँ पे कॉलम में क्या लिखोगे आप, ऐसा लिखोगे नाइन सी, सी सी जैसे के ना मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश अरेबिक चेंज होते रहता है ना कंप्यूटर में, तो वो ये रहता है, या सी नाइन लिखो या नाइन सी, मैं नाइन सी, प्रीफर करूंगा जी नाइन सर, सी लिखने के लिए, क्यों नाइन सी लिख रहा हूँ मैं, पहले क्योंकि नाइन आया ना सर, पहले ता आया हुआ है ना, पहले वर्ब आया है पहले, हाँ पहले उसके ता बाद आया, पहले जमीन, फाइल आता है ना और फिर जी सर, मफूल हाँ आता है, ठीक है, तो वर्ब, ये आपको अपने ब्रैकेट में डाल देना है आपको, बाकी के समझे, ऐसे ढूंढना है, अभी जैसे दरबतुन्न हुमा, ये किधर से थर्टी बना फोर है, सर, 34 सर, डी एन, तो जैसे कि ना सेकंड, ये लैंग्वेज में थोड़ा फर्क हो गया, ये मेरे फॉन्ट का फर्क हो गया, बिकॉज वो कभी ऑफिस में कभी इधर बनाता हूँ ना, फॉन्ट चेंज हो गया इसका, एक्चुअली आई जस्ट चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट से फर्क हो गया, अभी अभी रुकिए नहीं एक मिनट, अभी बराबर हो जाएगा, वो फॉन्ट का फर्क हो गया था, अभी बराबर है ना कैरेक्टर्स, जी ठीक है, जी तो अब दरब तो हुन्ना, दरब तो ट्वेल्व, ना, दरब तो ना हुम्मा है, मतलब क्या हुआ, दरब तो ट्वेल्व ना, लेंगे ना, तुम सब औरतों ने, तो उन दोनों को मारा मारा, अभी हुमा देखो किधर आ रहा है, हुमा दो जगह आ सकता है ना, जी सर, डी, हाँ जी सर, हाँ, डी ठीक है, में दो जगह ठीक सकता है, है, दो जगह आ सकता है, तो मुझको फिर मैं मेल या फीमेल लिख दूंगा अंदर उसमें, जैसे नीचे लिखा हूं मैंने मेल और जी सर, फीमेल, मैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, आप लिख दे के दोनों लिखना है, क्या लिखना है, दोनों दरब तुन्ना किधर है, नीचे 12, ट्वेल्व, तो हाँ 12 डी भी हो सकता है, 12 डी भी हो सकता है, और 12 जी भी हो सकता है, सी, जी सर, जी, दोनों भी हो सकता है ना, इट्स कैन बी यस बोथ सर, ना, जी, अगर मेल पॉसिबल, फीमेल नहीं लिखा तो इट कैन बी बोथ ना, सो दैट यस इज देयर, सर, ओके दिस इज देयर, सो जस्ट हैव टू रैंडमली सोचना है अपने को, ऐसे लगाना है कि किधर से किसको आ रहा है करके, दैट विल हेल्प यू लॉट इंशाल्लाह टू मेक द फ्रेम द सेंटेंसेस एंड ऑल, ओके दिस इज टेक्निक मैं आपको दे रहा हूँ, इंशाल्लाह यू कैन प्रैक्टिस ऑन दैट, ओके फिर आप और कैरेक्टर ले सकते हो इसके ऊपर, यहाँ पे आप दरबा को चेंज करके आप और उधर से वर्ड लेके आओ, जैसे मैंने आपको लेके आया, देखो आपको एक वर्ड मैं यहाँ से कोई भी लेके आता फाइल से, यहाँ कहाँ था हमारा चार्ट, प्रैक्टिस चार्ट हमारा, चलो मैंने आपको अभी मैंने करा लिया, मैं आपको दिखा दूं कि हमको प्रैक्टिस करने का एक हमको खुद पे ये होना चाहिए कि मैं इसको और कैसे बढ़ाऊं, अभी करा लिखा ना, अभी अगर मुझको करा दरब तो पे डाल देना है, दरब तो हूं तो कैसा बनेगा ये, तो हूँ, दरअप अभी करा तो हूँ में डालना है सर, किसी पे भी डालो, कपड़े पे करा का मतलब क्या होता है, खटखटाना करा का मतलब खटखटाना, क्या है सर, खटखटाना, हाँ अब इसका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, परातु देखो अभी मैं परातु आपको पहले उसका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ध्यान में रखो हर चीज को बनाने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, उसने मुझको खटखटाया बोल सकता हूँ, नहीं सर, नहीं सर, नहीं होगा मैंने उसको सर खटखटाया बोल सकता हूँ, जी नहीं, हाँ किसको मुझे नहीं खटखटाया, होगा सर, दरवाजा को खटखटाया या गाड़ी के दरवाजे को खटखटाया या बॉक्स पे खटखटाया, कुछ भी बोल, दरवाजा नॉर्मली क्या होता है, किसको खटखटाते हैं हम लोग, नॉक किसको करते हैं,
समटाइम इज ही नॉक्ड मी, समटाइम हम लोग बोलते ही नॉक्ड मी, लेकिन वो फ्रेज है जी, मतलब मुझको ऐसे नॉक नहीं किया, मतलब जगाया उसने, नींद में जब मैं जगाया मुझको बताया कि क्या कुछ हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट वर्ड ओके, वो नॉक अलग है ओके। बट आप अगर ऐसा सब पे जाके बनाना नहीं है, नहीं तो आप लगाएगा मीनिंग ही नहीं बनता कराता हूँ आपने जी जी सर कुछ का कुछ बन जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चेक द मीनिंग एंड चेक द ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल और नॉट ओके, समझ में है ना। करात में फाइल पॉसिबल है, करा तो बोलेंगे तो क्या होगा, उसने खटखटाया, तूने खटखटाया, सॉरी तूने खटखटा करातुल बाबा, तूने दरवाजे को जी सर, तूने दरवाजा खटखटाया, दैट शुड बी पॉसिबल है, दर करा तुमा बोल सकते तुम, समझे ना। तो दोनों लगा सकते, दैट वी कैन पुट दैट, तो उसके उसको देख के अब लगाना, ऐसे नहीं कि किसी को जैसे मैंने अपने वर्ड लिख दिया आप पूरे के पूरे गर्दन बना रहे हो मफूल के लेके, सो नहीं, बी केयरफुल ऑफ दैट मीनिंग, पढ़ो और करो ओके। यह चार्ट आपको समझ में आया, तो यहाँ पे वो चार्ट लिखा हुआ है ओके पूरा, फिर बाद में मैंने आपको बताया कि हिंटेड में यहाँ पे इसमें मफूल है ही नहीं, किसमें ना फाइल है, किसमें दखल है, में ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें फाइल भी छुपा हुआ ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फाइल मफूल दोनों भी, सॉरी फाइल और फाइल यहाँ पे जाहिर है, फाइल जमीर में नहीं है, फाइल जाहिर है, फिर यहाँ पे क्या हो गया समझे ना, यहाँ पे भी फाइल जाहिर है ना, मोहम्मद रिटर्न फ्रॉम दी मदरसा स्कूल मदरसा, ये चीजें है। और एक चीज लिखनी थी मेरे को, रह गई हो, मैं लिख देता हूँ इंशाल्लाह बाद में, मफूल वाला चीज रह गई है ओके, मैं लिख के आपको देता हूँ। एक क्या है, अरेबिक में फॉन्ट चेंज होता था ना कंप्यूटर्स में कभी कभी, हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दैट व्हाइल टाइपिंग। चले मैं देख, ये हो गया आपको समझे ओके। तो इसके बाद इसके थोड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है नीचे, डेफिनेशन में थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम आ रहा है, कैरेक्टर पकड़ नहीं रहा, मैं देख लेता हूँ। जैसे क्या कैरेक्टर है, चेंज हो रहा है फॉन्ट, ये मफूल बी है एक्चुअली, वर्ड बी ही है, क्या है चेंज है, ये चेंज कर रहा है वो, जी हाँ ये सर मफूल बी है ठीक है ओके, दिस इज देयर ओके। तो ये क्लियर हो गया आपको। जी इसके बाद हम लोग चलेंगे फेले मुदारे पे। अब फेले मुदारे पे भी मैंने आपको क्या बताया, फेले मुदारे के कितने बाप थे, छह बाप थे, वो भी स्क्रीनशॉट में पहले डाल देता वापस रिवाइज के लिए, हमने देखे थे ना फेले मुदारे के कितने बाप थे, पता 10, छह बाप थे ना, पता यस दरबा नसरा समिया, ये सर हाँ, तो फता के बाप पे, ये फता है, फता के बाप पे कैसे बनेगी, ये बनेगी यफ्तहु यफ्तहानी यफ्तहुना तफ्तहु तफ्तहानी, जी ये बनेगा आपका ठीक है। ये किसके बाप पे यस सर बनेगा, फता के बाप पे, पता है फिर वो बाप को आपको देखना है कैसे, उसके ऊपर आपको ये बनाने हैं, कौन से ये असाइनमेंट है, जाला पे ये जी जलू है ना, जहाब पे ये सबू, शफा पे यशफाउ, समझे, यस सर दैट विल बी अच्छा हेल्प, तो आपको बना सकते हैं इंशाल्लाह ओके। सर दिस एक्चुअली इज प्रॉब्लम क्या है पता है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह सारे नोट्स दे रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू आर गिविंग अस, लेकिन हमारी जो ना एक नाअहली कहना चाहिए कि हमारे हम प्रैक्टिस उतना नहीं कर रहे जितना हमको करना चाहिए। नहीं, प्रैक्टिस इज मस्ट ना, सही सर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप इतना अच्छी तरह से समझा रहे हैं, लेकिन वो हमारी अपनी अल्लाह खैर करे हमारे लिए इंशाल्लाह, नहीं इंशाल्लाह आ जाएगा, इसी वजह से अभी हम पीछे हैं सर। नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। अभी जैसे कि हम लोग अभी बाद में आप बनाओगे तो इंशाल्लाह, देखो मैं आपको बता रहे हम लोग भी कोशिश करें, अभी इसके लिए क्या है, मैंने ये असाइनमेंट कोई भी चेक कर सकता है, तो आप में से कोई एक स्टूडेंट पुराना भी हो जिसका एक्सपर्ट हो, या फिर मेरे आलिम भी आपका असाइनमेंट चेक करें, मैंने उनको कल यही बात करा था कि मेरे असाइनमेंट में आपको आपके अकाउंट में आएंगे ट्रांसफर हो गए, आप चेक करो करके, तो उनको पढ़ाना तो नहीं है ना, या कुछ लिखवाना भी नहीं, खाली क्या करना है चेक करना है, तो बोले आपको चेक करके भी भेज देंगे इंशाल्लाह ठीक है, तो वो और इजी हो जाएगा। तो ये आपको देखिए, ये दिख रहा है आपको तराहा लाना, अभी लानत, अभी हम लोग क्या बोले, लानत, अल्लाह लानत करता है या करेगा किस पे, काजिब पे, झूठों पे या काफिर पे, सर झूठों पे, काजिब बोलते, काजिब,
काजी झूठों पे या या कुफार पे, तो अभी करेगा या करता है बोलना, तो यहाँ पे उसका दिया है लाना का क्या बन जाएगा, यलन यल आनु, क्या बन जाएगा वो यल, यलन ठीक है। फिर उसके बाद में तुम पूरे अल्लाह बना सकते हो उसके गर्दाने, यल आनु किसके ऊपर, अलल 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 काजी बन, जैसा समझे ना, काजी अलल काजी वो आएगा, अगर ल लगे तो अलल काजी वो, झूठ पे अल्लाह लाना लगाएंगे ना सर, या अल्लाह अल्लाह भी लगा, लान अल्लाहु जी अलल सर काजी, मैं ओके। अभी आप बाद में मैं आपको समझाऊंगा, एक और एक मफूल और होता है, एक फेल और होता है, वो आगे जाके पढ़ेंगे, उसको इनडायरेक्ट फेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बोलूंगा आपको, ये बोलूंगा जैसे कि मैंने ना हामिद को, मैंने हामिद को कुर्सी पे बिठाया, इसमें मफूल कौन है, हामिद सर, हामिद है ना मफूल, करेक्ट है, मैं इसको बिठाया हामिद को, फिर कुर्सी क्या है, तो कुर्सी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट अच्छा कौन सा है, ओके मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है, हामिद हामिद है, और कुछ इनडायरेक्ट है ना। अभी जी मैं सही कुर्सी पे बैठा, फाइल भी मैं, मफूल भी मैं, लेकिन जी किस सर, पे बैठा मैं, कुर्सी कुर्सी पे, पे मेरे को और एक ऑब्जेक्ट जरूर थी, फाइल मफूल तो मेन, मैं तो मेन ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट था, जो मेन ऑब्जेक्ट था है ना, बट और एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए था ना, जिसपे मुझको क्या करना था, बैठना था, दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आप समझे, वो अभी जी प्रिंसिपल अलग सर, करेंगे, उसके बारे में भी बात, दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट। अरबी में क्या बोलेंगे इसको? अब डायरेक्ट में उसको फेल मुतल्लिक बोलते हैं, अच्छा फिर जो मतलब फेल के बारे में और एक्स्ट्रा बात करे, ओके एक्स्ट्रा ओके नॉलेज, राइट, हाँ 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 ठीक जी है, सर, दैट्स कॉल्ड इंशाल्लाह। क्लियर हो गया आपको ये चीजें, तो वो भी मुतालिक के बारे में भी देखेंगे, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने आपको ये फतह दिया, फिर मैंने दराबा भी दिया आपके लिए, है ना, ये दराबा पे आने वाले वर्ड्स है, ठीक है, ये किस पे आने वाले, नसरा पे, सर ये समया जी पे, और ये हसीबा पे, जैसे हमने कहा हसीबा, हसीब बहुत वो रेयर वर्ड्स मिलते हैं उसमें, और ये करोमा पे, करो करो ये आपकी क्या हो गई, फ्यूचर की गर्दान हो गई, ठीक है, ये यस आपको करना चाहिए। अरे लास्ट में ये बहुत बड़ी स्क्रीन है, जो मैं फर्स्ट में आनी चाहिए थी, बट स्टूडेंट गेट कंफ्यूज जब उनको समझाते हैं, तो कंफ्यूज क्यों थे इसको, इस स्क्रीन के बारे में, एंड दिस इज द वेरी गुड स्क्रीन, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो सारी चीजें निकलती है इसमें से निकलती है, आपका फेल भी जो निकला वो इसमें से ही निकला है, इसके पैटर्न से ही निकलता है, इसमें के ग्रामर से ही निकलता है, जो मैंने आपको मजदर पहले बताया था, मजदर भी क्या होता है, एक्चुअली इसमें ही कहलाता है, मजदर भी क्या होता है, इस जी में ही कहलाता है, जैसे काउलुन, ये मजदर है, काउलुन मतलब बोलना कहा है ना, काला मतलब कहा बोला, यकुलु, फाइन है ना सर वो काल, हाँ यकुलु मतलब धन्यवाद बोलते, तो ये जी मजदर सर ही काउला भी मजदर ही बन गया, वो इसमें की कैटेगरी में चला जाता है, जब मजदर रहता वो इसमें कैटेगरी, फिर काउला से जो बना वो क्या बन गया, जैसा बोलने वाला, काला काइल है ना, फाइल हो गया वो बोलने वाला बन जाए, तो काला का बन जाएगा साला साइल, सवाल करने जी वाला, और फिर ये वर्ड्स बनेंगे आगे जाके, आपको ये सब इसी से निकलेंगे, ठीक है, फिर ये भी जी वर्ड कभी कभी ऐसे हो सकते हैं, ये फाइल बन के आएंगे, पैदा किया पैदा करने वाले ने, खलका खाली खालिकुन, खुली तो खालिकुन किधर से आएगा, फिर तो खलका से निकला कलर था, सीधा हाँ खलका से निकला था खलकुन, और फिर खलकुन जी से क्या निकला, खलकुन से सर, खाली खलका निकला, और खालिक खलका से फिर माफाइल क्या बन गया निकला उसका, खालिकुन, तो इंशाल्लाह ये भी एक्सप्लेन करना, एक जब आपका वो अच्छा हो जाएगा ना, तो ये एक्सप्लेन करने में इजी हो जाएगा मुझको, फिर भी जी मैंने वो सर स्क्रीन रख दी है कि वो बहुत जमीरी है, कि याद रखिए कि इसमें जामित क्या होता है वो आपको सबको पता होना चाहिए, मैंने अभी लास्ट मेरी नई क्लास बैच शुरू हुई उसमें मैंने बहुत बहुत स्ट्रेस किया और ये समझाने की कोशिश किया कि आप पहले इसमें जामित और इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्लियरली समझ लो, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और एक नाउन जामित होता है, जामित जामिद दोनों नाउन है, एक जामित है, तो कुरान में जी तुमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत मिलेंगे, हराम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हलाल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रईब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गैब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जी जामित क्या होता है, जिसकी बॉडी हो, जिसको फिजिकल
जिसका वजूद होना से, जिसका वजूद है, जिसको फिजिकली बॉडी अवेलेबल, जिसके बारे में बोल सकते हैं इसकी हाइट क्या है, जिसके बारे में ये बोल सकते हैं इसका कलर क्या है, इसकी साइज क्या है, जब जिसके बारे में ये बात की जाए ना कि इसकी साइज ये, इसकी बॉडी ये, इसका शेप ये, तो क्या माना जाता है, वो मान जाता है जामित माना जाता है, ठीक है। लेकिन हराम के बारे में अगर कोई बोले हराम कितना, हराम की हाइट बोलो कितनी है, हलाल की हाइट आपको बोले ये, आपने बोला ये चीज हराम है, तो बोले हराम कौन है, हराम को दिखाओ हमको, आप दिखा पाओगे? नहीं दिखा सकते जी सर। तो जामित की कोई एग्जांपल दीजिए। जामित इंसान जामित है, रजुल जामित है, पत्थर टेबल आसमान जमीन सब जामित है, जितनी भी अल्लाह ने क्रिएचर क्रिएट की वो सब क्या है, जामित है। आपके अतराफ में भी जितनी चीजें दिख रही है सब जामित है, आप बैठे ना वहाँ पे शक्ल में है वो दिख रहा है ना अपने फिजिकल, फिजिकल फॉर्म में जो मौजूद है आपके पास फिजिकल। हाँ वही देखो, आप कोई भी चीज उठाओ, कोई चीज आपको दिख रही है तो आप उसकी साइज बता सकते हो ना, छोटा है क्या बड़ा है, है ना, आप उसका कलर भी बोल सकते हो ना, उसका वजन भी बोल सकते हो ना, अगर हाथ में उठाओगे तो उठा सकते हो या नहीं उठा सकते, ये उसकी प्रॉपर्टीज रहती है। क्या होते हैं उसको, प्रॉपर्टीज, तो जामित की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है, उसको उर्दू में भी एक वर्ड नहीं मिला है, बट उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर नाउन, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं उनको। जब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप डिस्क्राइब कर सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज से किसी को दिखा सकते हो, दैट विल कॉल एज जामित, ठीक है। लेकिन हराम की कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है क्या, नहीं डाउट की कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज है, नहीं है, ला राइब राइब बोला गया ना, तो फिर उसके कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं, लेकिन उसके एडजेक्टिव हो सकते हैं, ये बड़ा हराम है, ये छोटा हलाल बोल सकते हैं, बड़ा जैसे खुशी और गम ये सारे वैसे ही है ना सर, बड़ी खुशी है ये छोटी खुशी, उसके एडजेक्टिव बोल सकते हैं, सिफत बोल सकते हैं, लेकिन खुशी का वजन बता सकते हो, कलर बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि क्या होती है करके, तो देन इट कुड बी वेरी क्लियर टू यू। ओके, तो ये आज की स्क्रीन आपको समझ में आई? डालना जरूरी है, कौन सी फता दरा वो छह बाप वाली स्क्रीन डालेंगे बाद में, तो फिर स्क्रीन अच्छी लगेगी उसको, फिर आपको ग्रामर में भी इजी पड़ेगा इंशाल्लाह।